आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ईसी करेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बैठक में तय की गई चुनाव की तारीख। लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो 7 चरणों में ये मतदान हुआ था। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं। 2019 में 7 चरणों में मतदान हुआ था। तो आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। देखिए, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज रहने वाली है। तो इसी करेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की जो बैठक है वो कल भी हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि आज घोषणा की जाएगी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। ईसी लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो यहां पर करने वाला है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे रहेगी। तो आज साफ हो जाएगी स्थिति, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार चुनाव कब होंगे और कितने चरणों में चुनाव रहने वाले हैं। बैठक में तय की गई चुनाव की तारीख। लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में भी चुनाव। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आज बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। 2019 में 7 चरणों में मतदान हुआ था। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, मतदान हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो आज दोपहर 3 बजे क्लियर हो जाएगी। चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज 3 बजे होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।